जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2022-23 के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। यह नोटिस है ग्रुप सी पोस्ट के रिगार्डिंग और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, साथ ही साथ ग्रुप डी पोस्ट के रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो जानकारी है आपको उपलब्ध कराता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप सी पोस्ट के बारे में। नोटिफिकेशन में लिखा गया है द टाइपिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड स्टेज वन शैल बी कंडक्टेड ऑन 25th and 26th March 2023। तो जो लोग ग्रुप सी के लिए स्टेज वन की परीक्षा दे चुके हैं उनकी अब टाइपिंग टेस्ट होगी 25 और 26 मार्च को, और ये जो परीक्षा होगी ये प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। तो कैंडिडेट जो हैं वो अपनी डिटेल्स recruitment.nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो डिटेल्ड एडमिट कार्ड होगा वो उनके एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले जारी किया जाएगा, ये बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड शैल बी कंडक्टेड ऑन 13th and 31st March and 1st of April 2023। तो 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी की परीक्षा करवाई जाएगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और इसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले उपलब्ध होंगे, लेकिन 22 तारीख से आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेक कर पाएंगे, यानी कि जो आपका परीक्षा केंद्र होगा उसकी जानकारी आपको 22 मार्च से आज से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आपके जो फाइनल एडमिट कार्ड होंगे वो आपकी परीक्षा से 3 दिन पहले उपलब्ध होंगे। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी पोस्ट के बारे में। तो ये परीक्षा होगी 2nd of April को, परीक्षा प्रयागराज में होगी 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर 3 डेज बिफोर। तो 3 दिन पहले जो अभ्यर्थी हैं वो अपने एडमिट कार्ड रिक्रूटमेंट डॉट, ये जो वेबसाइट है recruitment.nta.ac.in, यहीं से जाकर वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और NTA के द्वारा जारी किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली खबर है वो ये है कि बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को भी आरक्षण देने के लिए जो प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है। तो शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पूर्ण निर्धारण करते हुए मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। अब आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी की जो भर्ती थी वो अब आगे बढ़ सकेगी। आपको याद होगा कि जनवरी 2021 में कुल 52,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, उस समय EWS के आरक्षण का प्रावधान नहीं था, चयन समिति भी केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं थी, नतीजन जो मामला था कोर्ट में गया और भर्ती जो थी वो फंस गई थी। तो मंगलवार को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने नया शासनादेश जारी किया है। इसमें SC ST OBC दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ साथ EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर दिया गया है। अब EWS को भी 10% जो रिजर्वेशन होता है वो उपलब्ध रहेगा। तो अब इससे 2 साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है और रिजर्वेशन से संबंधित जो त्रुटियाँ थी उसको दूर कर लिया गया है, और अब ये 52,000 जो भर्ती है आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी की वो आगे बढ़ सकेगी। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चयन समिति में BDO और तहसीलदार को भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा न होने से एक बार फिर भर्ती में पेंच फंस सकता है, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई पेंच आएगा। फिलहाल अब प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़े यही हम कामना करते हैं। और देखिए UP बोर्ड ने वर्ष 2023 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ ही नए सत्र 2023-24 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके तहत पाठ्यक्रम में की गई 30% की कटौती नए सत्र में समाप्त कर दी जाएगी। स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों में
संपूर्ण पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जो 30% की कटौती हुई थी अब ये कटौती खत्म कर दी गई है और अब जो पाठ्यक्रम लागू होगा वो 100% लागू रहेगा। तो कटौती वाला जो कार्यक्रम था वो समाप्त कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोग जानते हैं 13 मार्च को हाईकोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें 6800 की सूची रद्द करके एक नई सूची को तैयार करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अब इस मैटर को जो अभ्यर्थी हैं रिजर्वेशन से जो प्रभावित हुए हैं वो डबल बेंच में ले जाने की बात कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक बैठक भी की है। इस बैठक में यही कहा गया कि कुल 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में और इस मैटर को लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, जल्द ही इस आदेश को हाई कोर्ट में वो चुनौती देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 13 मार्च को लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सरकार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में बनाए और जब तक ये सूची तैयार नहीं होती है तब तक जो है जो प्रक्रिया है जैसे कि जो लोग अभी तक चयनित हो चुके हैं अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उनको उनके उसी पोजिशन पर रखा जाए, जब सूची तैयार हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि कौन अंदर होता है और कौन बाहर होता है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है और अगर नई सूची बनती है तो जितने भी लोग इस सूची में शामिल होंगे और जो लोग इस सूची से बाहर होंगे उनको लेकर एक नए प्रकार का बखेड़ा होना तय है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और फ्रेंड्स देखिए आपके लिए UPPCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई को होने जा रही है, तो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जानना चाहते हैं कि इसमें करंट अफेयर कितना पूछा जाता है। देखो फ्रेंड्स कम से कम एक साल का करंट तो आपका तैयार होना ही होना चाहिए। अगर आप एक साल का करंट तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ यानी कि कम से कम आपके पास अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का जो करंट है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। आने वाली बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कि वर्ष 2023 में आयोजित होंगी, इसमें वीडियो डे एग्ज़ाम भी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, RO ARO है और भी तमाम परीक्षाएं जिनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जो भी किताबें उपलब्ध होती हैं उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जटिल होता है और वैसे भी आपको अपने करियर के प्रति निवेश करते समय बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये निवेश आपकी लाइफ में कई करोड़ गुना होकर वापस मिलता है। तो करंट अफेयर के लिए आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार ऑफर है। अगर आपका अपना निजी नोट्स नहीं है, अगर आपने अपना नोट्स बनाया है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लेना चाहते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। इसमें आपको क्या मिलेगा, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको पहली बार मिल जाता है। उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक यानी कि पूरे 12 महीने तक आपको हर महीने बिल्कुल फ्री में बिना भी एक रुपए लिए आपको करंट अफेयर भेजी जाएगी। तो ये नवरात्रि का विशेष ऑफर है और बस कुछ ही दिनों के लिए है। अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसका लाभ उठा चुके हैं लेकिन जो लोग नहीं उठा पाए हैं उनके लिए कुछ दिन और उपलब्ध हैं। तो ये ऑफर जो है कब एंड हो जाएगा इसके बारे में मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो और आपको उठाना भी चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में दे दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स जो लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं लाइक एज IAS PCS खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड के GS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं RO ARO की, तो उनके लिए एक विशेष चैनल मैंने बनाया है जिसका नाम है IAS PCS मास्टर क्लास। इस चैनल की विशेषता ये है कि इसमें आपको प्रीमियम कंटेंट जो कि और चैनलों पर आपको पेड में मिलता है वो यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध होगी और तमाम वो जानकारियाँ उपलब्ध होंगी जिनके द्वारा आप इन परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो लगभग 600 से 700 लोग इसको अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। अभी ये बिल्कुल नया चैनल है, इस पर जो पहला वीडियो आया है वो बहुत ही शानदार है, जाकर अभी देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेफिनेटली आपके अंदर एक फायर, एक मोटिवेशन, एक नई आग जलेगी और उससे आप आने वाली परीक्षाओं को क्रैक जरूर कर पाएंगे। तो एक बार चैनल को चेक कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसके बाद यहाँ पर रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल, गाइडेंस और तमाम चीज़ें उपलब्ध होती रहेंगी। आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं
तो इसीलिए इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके जरूर देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए आज भारतीय नववर्ष की शुरुआत है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 दिनांक 22 मार्च 2023 दिन है बुधवार। तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।